friends, good morning to all of you. I am Shelly, your math teacher. And students, today we are going to discuss about the next topic, that is the LCM. क्या करने जा रहे हैं हम? LCM करने जा रहे हैं बच्चे. और हाँ, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अगर अपना हॉलीडेज होमवर्क सबमिट नहीं करवाया है या फेयर कॉपी चेक नहीं करवाई है, तो आप अपना हॉलीडेज होमवर्क और फेयर कॉपी चेक करवा लेना. ओके, स्कूल में सबमिट कर सकते हो या लाइफ केयर हॉस्पिटल में सबमिट करवा सकते हो. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या है? एलसीएम. एलसीएम का मीनिंग होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर. क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन फैक्टर. लोएस्ट मीन सबसे छोटा. क्लियर? सबसे छोटा फैक्टर जो सारों में है, कॉमन है, तो वो क्या हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा. अब हमने क्या करना है? एलसीएम निकालना है. हमने एलसीएम हमने निकालना सीख लिया, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था. इसमें भी क्या करना है? एलसीएम निकालना है. सेम प्रोसीजर है, बट स्टिल थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और हाँ, आपने क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. क्या करना है स्टूडेंट्स? प्राइम फैक्टराइजेशन. यस, सो यस, डू विद मी प्राइम फैक्टराइजेशन. फर्स्ट टॉपिक आप करो. यस, फर्स्ट स्टेप रीड करो मेरे साथ. फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ ईच नंबर. क्या फाइंड करना है? एलसीएम. एलसीएम के लिए क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालें हर एक नंबर के. फर्स्ट नंबर क्या है? 14. क्लियर? 14 मेरे पास है प्राइम फैक्टर. 2 7 14. क्लियर? 2 7 14. नाउ 7 इज ऑल्सो प्राइम फैक्टर, दैट्स वाई 7 1 7. ओके, 2 7 14, 7 1 7. इट मीन्स जो प्राइम फैक्टर है 14 के, क्या है वो? 2 8 7. प्राइम फैक्टर ऑफ 14 आर 2 7. ओके, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 28. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पे करके देखो. 2 1 2 8, 2 4 8. यानी कट करेंगे क्या आएगा? 14 2 14 28. ओके स्टूडेंट, 2 1 2 0. ऊपर से क्या लिया? ब्रिंग डाउन क्या किया? 8 2 4 8 0. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 14 = 28. ओके, सो 2 × 14 = 28. नेक्स्ट 2 7 14, 7 1 7, 2 14 = 28, 2 7 14, and 7 1 7. ओके, नेक्स्ट नंबर इज 38. क्या फैक्टर आए 28 के? 2 2 7, 2 2 7. ओके, नेक्स्ट इज 30. 30 का करें यहाँ कर लेते हैं. अब डिवाइड करो 30 को पहले 2 से. 2 1 2 माइनस 1, ब्रिंग डाउन 0. 2 5 10, कट करके क्या आ गया? 0. इट मीन्स 2 × 15 = 30. क्लियर? तो यहाँ पे आ गया 2 15. 2 × 15 = 30. नाउ 2 के टेबल पे 15 नहीं आता, क्योंकि 2 7 14 एंड 2 8 16, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? 3. 3 5 15 एंड 5 1 5. ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर क्या है? 2 3 5. ओके, सो यस, 2 3 5. क्लियर? समझ आया? 2 7 2 2 7 2 3 5. अब कॉमन देखो क्या आता है. 2 कॉमन 7, इन दोनों में कॉमन है, इसमें नहीं है, और ये सारा एक्स्ट्रा आ रहा है. अब आप ऐसे करो, इनमें से कॉमन जो कॉमन है उसे वन टाइम राइट करना है. ओके, जल्दी से राइट करो आप. यस, तो आपने कॉमन वाले देख लिया? देख लिया कॉमन? कॉमन किस में आ रहा है? 2 2 2, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 7. इनको लिखना है वन टाइम. 2 × 7 भी कॉमन है, तो वन टाइम राइट करना है. कर दिया. अब क्या रह गए? 2 × 3 × 5. 2 × 3 × 5. ओके, तो मैंने अभी इसको मैं सारों को रख कर लूँ साइड पे, जो है, जो
जो मैंने ये कैलकुलेशन किया उनको रब कर लूँ ताकि अच्छे से क्लियर समझ आ जाए आपको, ठीक है। ये हो गया और उसके बाद आप देखो आप क्या करेंगे आगे। इतना समझ आया, टू इधर से कॉमन लिख लिया, ये हो गया सेवन इधर कॉमन आ रहा है वन टाइम लिख लिया, रिमेनिंग क्या है जिनके कॉमन नहीं बनते तो टू थ्री फाइव लिख लिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना ऑल द कॉमन फैक्टर को, देखिए स्टेप टू क्या करना है हमने, मल्टीप्लाई। तो यस करें मल्टीप्लाई, क्लियर। दिस गिव द एलसीएम, क्या चीज़ है मेरे पास, टू सेवन सा फोर्टीन, फोर्टीन टू सा फोर्टीन, थ्री सा यस फोर्टी टू, और फाइव टू सा टेन, तो फोर्टी टू मल्टीप्लाई टेन कितना आ जाएगा, फोर टू जीरो, क्लियर। सो आंसर इज 420, ये हमारा आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट, 7 2 14, क्लियर, 14 3 42 एंड 5 2 10, सारों को मल्टीप्लाई करो। आप भी अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने जैसे कि बस आंसर सारों की मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो हमें सारों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, समझ आ गई। मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 420। सो माई आंसर इज यस, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 420। ओके डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। मैंने थ्री डिजिट का थ्री नंबर्स का किया 14 28 30, आपके पास टू नंबर्स वाले भी सम आएंगे थ्री नंबर्स वाले भी सम आएंगे, तो आपने उनको अच्छे से करना है, सेम प्रोसीजर है। टू नंबर आ गए तो बस ये वाला स्टेप नहीं आएगा, ओनली टू ऊपर अबव वाले स्टेप्स आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर आपने कॉमन देखना है, कॉमन वाले को वन टाइम राइट करना है, ध्यान देना कॉमन जो है कॉमन नंबर राइट वन टाइम, वन टाइम, क्लियर, ये ध्यान रखना है जो कॉमन नंबर है वो राइट करना ओनली वन टाइम, बाकी सारों को आपने यस मल्टीप्लाई करना जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनके साथ ही। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।